हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आपको मालूम है वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ ब्रांड न्यू सीरीज, सीरीज 12, जहां पे वी आर डिस्कसिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। आज दोस्तों एपिसोड नंबर 3। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हेरॉन्स फॉर्मूला। अब तक दोस्तों इन द लास्ट टू प्रेजेंटेशन, लास्ट टू एपिसोड में, पहले हमने देखी है व्हाट इज एरिया, व्हाट इज अ पेरीमीटर इन जनरल फॉर स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। एंड दोस्तों लास्ट वेबिसोड में, वेबिसोड 2 में हमने देखी है, अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दी जाती है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दोस्तों, आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो हेरॉन की फॉर्मूला है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट एंड हाउ डज इट हेल्प अस। सो दोस्तों, नाउ डूइंग अ वेरी क्विक रिकैप, जैसे हमने लास्ट टू वेबिसोड में देखी है दोस्तों, जब कभी हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सो यहां पे दोस्तों वी हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंड दोस्तों यहां पे फ्रॉम साइड, फ्रॉम द वर्टेक्स ए वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर, चलिए इसे कहते हैं ए डी, ये है 90 डिग्रीज। सो बेसिकली व्हाट वी हैव दोस्तों इज वी हैव ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हमने वी हैव ड्रॉन ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। देन दोस्तों एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑल्टीट्यूड टाइम्स बेस। अभी दोस्तों ये जो AD है, दिस इज द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट? सो ये दोस्तों बन गई हमारी ऑल्टीट्यूड। सो ऑल्टीट्यूड विल बी AD, एंड जो बेस है दोस्तों, जहां पे आके ये ऑल्टीट्यूड जो आके गिरती है, दैट इज द साइड BC। सो बेस है दोस्तों BC। सो कभी कभी दोस्तों हम ऑल्टीट्यूड को, ये जो हाइट है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर H के साथ, एंड ये जो बेस है हमारी विच इज बी सी, ये जो एंटायर लेंथ है, कभी कभी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई लोअर केस लेटर बी के साथ। सो दोस्तों देन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बन जाती है हाफ टाइम्स ए डी टाइम्स बी सी, या फिर दोस्तों कभी कभी वी राइट इट एज हाफ टाइम्स हाइट टाइम्स बेस। ना दोस्तों, ये फॉर्मूला कोई नई फॉर्मूला नहीं है, आपने पिछले क्लासेस में यू हैव सीन दिस फॉर्मूला यूज मेनी मेनी टाइम्स। एंड दोस्तों ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ आर अर्लियर सीरीज, जहां पे हम बात कर रहे थे एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स की, वहां पे दोस्तों हमने ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसे हमने वी हैव ऑल्सो प्रूव दिस फॉर्मूला। सो दोस्तों वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हमें मालूम करने के लिए वी मस्ट नो द हाइट एंड वी मस्ट नो द बेस, राइट? इसके बिना वी कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सो नाउ दोस्तों, सो व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला? सो उसे जानने के पहले दोस्तों, लेट अस स्पेंड मे बी जस्ट अ फ्यू मिनट्स टॉकिंग अबाउट हेरॉन हिमसेल्फ। सो दोस्तों हेरॉन एक्चुअली ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। हेरॉन वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन हु लिव्ड इन इजिप्ट मेनी मेनी ईयर्स अगो। एंड दोस्तों देन उनकी जो काम है, ही वर्क एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोस्तों, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स इतनी ज्यादा है दैट कभी कभी आज हम उन्हें वी ऑल्सो कॉल हिम एन एनसाइक्लोपीडिक राइटर। आपको मालूम है दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया जो होती है कोई भी टॉपिक के ऊपर, वहां पर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन रहती है, राइट, अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बिकॉज हेरॉन की काम इतनी ज्यादा, इतनी इतनी बड़ी थी, इतनी द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सो लार्ज इन द फील्ड ऑफ मैथ एंड अप्लाइड फिजिक्स, दैट हम उन्हें कभी कभी कहते हैं एनसाइक्लोपीडिक राइटर। नाउ दोस्तों, हेरॉन ने पर्टिकुलरली अबाउट ज्योमेट्री, एक्चुअली इन ज्योमेट्रिकल मैथ, ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क, पर्टिकुलरली दोस्तों इन द फील्ड ऑफ मेंसुरेशन, दैट इज कॉम्प्यूटिंग एरियाज, एरियाज ऑफ वॉट दोस्तों, एरियाज ऑफ स्क्वेयर्स, rectangles, triangles, trapeziums, special quadrilaterals, polygons, etc., etc. He did a lot of work in all of these fields, dosto. So, hum is particular series mein, series 12 mein, dosto, we are just looking at one very small part of contribution of Hiron. So, dosto, jo cheez hum focus karenge is पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में एंड इन दिस सीरीज में, वो है हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला।
सो दोस्तों नाउ वी नो लिटिल बिट अबाउट हेरॉन. चलिए आइए लेट अस फाइंड आउट सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला दैट हेरॉन एक्चुअली हैड सजेस्टेड. सो मान लीजिए अभी दोस्तों हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी. सो लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. सो दोस्तों हेरॉन उन्होंने कहा कि इफ इफ वी नो ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमें मालूम है द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. सो दोस्तों दिस इज एक्चुअली बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी है इसलिए क्योंकि हेरॉन बता रहे हैं कि हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि हाइट कितनी है ऑल्टीट्यूड की एंड बेस की जो जो लेंथ है वो कितनी है. अगर हमें सिंपली मालूम चलती है द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, हम वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. सो दोस्तों सो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस हमने यहाँ पे एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ की है एबीसी. सो हेरॉन उनका कहना यह है कि अगर हमें मालूम है द लेंथ ए बी, द लेंथ बी सी एंड लेंथ ए सी, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. सो दोस्तों नाउ सो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला. सो दोस्तों नाउ एक छोटी सी कन्वेंशन है, लेट अस फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट. वो है ये कि जो साइड्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लोअर केस लेटर्स के साथ. सो दोस्तों ये जो साइड, सो एक और चीज दोस्तों जो है, इफ यू लुक एट वर्टेक्स ए, इसकी ऑपोजिट साइड है लोअर केस लेटर ए. अगर आप देखते हो वर्टेक्स बी, इसकी ऑपोजिट की साइड है लोअर केस लेटर बी. सिमिलरली दोस्तों अगर आप देखते हो वर्टेक्स सी को, इसकी जो ऑपोजिट की साइड है उसे रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर सी के साथ. सो दोस्तों नाउ अभी हेरॉन उन्होंने कहा, नाउ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यह है दोस्तों फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला, कभी कभी इसे कहते हैं हीरोज फॉर्मूला ऑल्सो. वो है ये दोस्तों, दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, ये एक बड़ी सी स्क्वेयर रूट है, ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी. जहां पे दोस्तों हमें मालूम है ए बी एंड सी क्या है, ए बी एंड सी आर नथिंग बट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स. ये जो ए बी एंड सी है, दीज आर एक्चुअली द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. सो दोस्तों देन वॉट इज दिस एस, एस क्या है, राइट? सो एस इज नथिंग बट, where ABC are sides and S, S is nothing but S is equal to A plus B plus C divided by 2. यानी कि दोस्तों कभी कभी we call it semi perimeter. आपको मालूम है दोस्तों जो triangle है ABC, उसकी perimeter होगी A plus B plus C, right? Because perimeter of a triangle is nothing but the sum of three sides of a triangle. So A plus B plus C, यह है perimeter of a triangle. अगर आप इसे divide करते हो by 2, ये जो वैल्यू है दोस्तों इसे हम कह रहे हैं, लेट अस कॉल इट लोअर केस एस. एंड हेरॉन ने कहा कि सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीन साइड्स है ए बी सी, उसे हम ढूंढ सकते हैं बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन, स्क्वेयर रूट ऑफ, अगेन लंबी सी स्क्वेयर रूट, एंड स्क्वेयर रूट के अंदर है एस जो कि है सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी. सो दोस्तों ये है हेरॉन की फेमस हेरॉन्स फॉर्मूला, और हीरोज फॉर्मूला कभी कभी कहते हैं, और फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. सो एक काम करते हैं दोस्तों, नाउ दैट हमें मालूम है हेरॉन की फॉर्मूला क्या है, लेट अस डू अ क्विक एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. सो मान लीजिए दोस्तों लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन. हमारे पास अगर हमें कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. सो दोस्तों हम हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट? सो एक काम करते हैं दोस्तों, वी विल ड्रॉ ए रफ डायग्राम, राइट? एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी करके. एंड दोस्तों सो यहां पे हमें मालूम नहीं है कि ए बी सी क्या क्या है, बट वी जनरली नो दैट चलिए ये सबसे लंबी साइड दिख रही है, इसे कहते हैं 15 सेंटीमीटर.
ये है जो दोस्तों बी, चलिए इसे कहते हैं 13 सेंटीमीटर, और ये है दोस्तों सी, इसे कहते हैं 4 सेंटीमीटर। सो पहली चीज जो है दोस्तों हेरॉन ने कहा, पहले पता लगाते हैं द सेमी पेरीमीटर विच इज एस, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। सो दोस्तों ए है 15, बी है 13, सी है 4 डिवाइडेड बाई टू, अगर आप इसे सॉल्व करते हो। सो दोस्तों ये बन जाती है 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये बन गई 32 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16, राइट, 2 16 इज 32। सो दोस्तों नाउ हेरॉन उन्होंने कहा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, बड़ी सी एक स्क्वेयर रूट, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, राइट। और ये जो स्क्वेयर रूट है ये पूरे के ऊपर है। सो चलिए नाउ लेट अस फाइंड आउट इसकी वैल्यू कितनी है। सो बड़े से एक स्क्वेयर रूट ड्रॉ करते हैं ठीक से, लाइक दिस। सो जो एस है दोस्तों वो है 16, माइनस ए, ए है यहां पे 15, मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस बी है 13, मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस सी है 4, यानी कि चलिए दोस्तों इसे यहां से लिखते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ, अभी हमारे पास है 16 टाइम्स 16 माइनस 15 इज 1 टाइम्स 16 माइनस 13 इज 3 टाइम्स 16 माइनस 4 है 12। सो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 16 टाइम्स 1 टाइम्स, नाउ 3 12 जा 36, राइट, 36। सो दोस्तों अगर आप इसे स्क्वेयर रूट करते हो, सो यहां पे ये जो 16 है दोस्तों, 16 इज नथिंग बट 4 स्क्वेयर, सो यहां से एक 4 निकल आएगी, मल्टीप्लाई बाय 36 इज नथिंग बट 6 स्क्वेयर, 6 6 जा 36, सो वी विल गेट 6, यानी कि 4 6 जा 24। सो दोस्तों द यूनिट है सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो दोस्तों कि यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हम कह सकते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी इज 24 स्क्वेयर सेंटीमीटर, या फिर 20 मीटर, या फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो दोस्तों आपने देखा यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे करके हमने पता लगाया एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, ना तो हमें कोई ऑल्टीट्यूड ढूंढनी पड़ी, ना तो हमें कोई बेस की वैल्यू अलग से ढूंढनी पड़ी, बट यूजिंग दिस हेरॉन्स फॉर्मूला हमें पता चल गई कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सो दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, अगले वेबिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।